भारतीय सभ्यता की वो धरोहर जिसे आज विश्व पटल पर पहचान मिल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैदिक साइंस की, योगा की, जिसे आज पूरे विश्व ने सराहा है, समझना शुरू किया है। ये वो रास्ता है जिसको भारतीय सभ्यता ने, भारतीय संस्कृति ने बहुत शुरुआत से ही चलना शुरू किया था। वहीं बात की जाए, इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस रास्ते को बहुत ही करीब से देखा है, समझा है। हमारे साथ इस वक्त चंद्रमोहन भंडारी जी मौजूद हैं, जो कि IFS से रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सुरागिला न्यूज़ चैनल। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरा नाम चंद्रमोहन भंडारी है और मैं भारतीय विदेश सेवा में था, इंडियन फॉरेन सर्विस। 1974 में मैंने ज्वाइन किया था, 2009 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर, ये जगह हमारी है पहले से ही। और वैसे मैं रानीखेत से आता हूँ, रानीखेत में मावड़ा हमारा गांव है। तो मैंने यही देखा कि ये जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, इसको हम एक तरह से धर्म रिलीजन से जोड़कर ही देख पा रहे थे, जबकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मेरा तो अपना जो मानना नहीं, ये मेरी मतलब वास्तविकता है कि इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। यदि हम इस मनुष्य शरीर को जान सकें और इस शरीर के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसमें मन नाम की चीज़ क्या है, मैं नाम का व्यक्ति कौन है, आत्मा क्या होती है, ये जो हमारे अंदर ही है, तो ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये तो रियलिटी है। तो हमारे जो वेदों का ज्ञान है, हमारे वेदों का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देता है, पूरे जीव प्राणी जो इस ब्रह्मांड में है उनका ज्ञान देता है। और मनुष्य शरीर क्यों बनाया गया, किस तरह से मनुष्य के पास इस पूरे ब्रह्मांड की मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी थी, जिसको कि आज हम भूल चुके हैं। तो मेरा अपना अनुभव यही रहा कि पूरे मेरे बचपन से, तो खैर मैं क्योंकि संस्कृति से ही जुड़ा हुआ था, गाँव में तो बिल्कुल हमारी तब बिल्कुल भारतीय संस्कृति से ही सब कुछ चल रहा था, तो ये मुझे विरासत में मिली। और धीरे धीरे जब मैंने IIT कानपुर से फिजिक्स में MSc किया हुआ है, तो विज्ञान को भी मैंने समझा। तो मैंने बाद में चल के यही देखा कि हम लोग योग करते हैं तो वो केवल योग शारीरिक योग करते हैं, जबकि वास्तविक योग तो इस शरीर के अंदर जो शरीर वाला है, जो मैं नाम का व्यक्ति है, उसके विषय में हमें पूरा ज्ञान देता है कि ये व्यक्ति कौन है, इसकी वास्तविकता क्या है। और आज हम सांसारिकता में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम अपनी असलियत को भूल गए हैं। तो मैंने अपने सर्विस काल में, और ख़ास करके जो मेरी, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैं राजदूत था, फिर उसके बाद पोलैंड में राजदूत था, सबसे पहले मैं कंबोडिया में राजदूत था, तो कंबोडिया में हमारी ही पूरी भारतीय संस्कृति पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है, और इधर UAE में, जहाँ की इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर भी लोग जब इसके बारे में सुनते थे तो बड़े प्रभावित होते थे। और एक अच्छा सामंजस्य, अलग अलग जो हमारे धर्म हैं, कैसे हम इनकी एकता को समझें, तो यही सब चीज़ मैं जब पोलैंड में राजदूत था, तो वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, वहाँ पर भी जब लोगों ने इसको सुना तो उनको कोई परेशानी नहीं थी इसको समझने में, क्योंकि हम खाली व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। और जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो असलियत है, रियलिटी है, उसको जान रहे हैं। तो इस तरह से मैंने योग को समझा। और फिर यहाँ इस समय जो स्थिति है, जो मैं देखता भी हूँ कि हर जगह शहरों में तो मनुष्य को स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही परेशान है, इतने बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी लोग रोगी हैं और उनका उपचार नहीं हो पा रहा है, जबकि ये हमारी योग की विद्या अच्छे अच्छे रोगों का उपचार कर देती है। तो मेरा अपना अनुभव इसमें जो रहा, पूरे मेरे जीवन भर, मैं कह सकता हूँ कि 50 साल से तो मैं बिल्कुल इसमें बहुत गहराई से इसको जी रहा हूँ, और मुझे इससे इतना लाभ मिला, तो मैंने सोचा कि इस लाभ को मुझे जन जन तक पहुँचाना है। उस चीज़ को लेते हुए हमारे परिवार ने, हम लोग 6 भाई हैं, सभी लोग अब रिटायर हो चुके हैं, तो हर एक ने कहा कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए। तो हमने 2011 में यहीं अपने पास पड़ोस के गाँव के जो बच्चे, जो बेचारे स्कूल
या तो जाते ही नहीं थे, जाते थे तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी। तो हमने सोचा कि हम इन बच्चों के लिए यदि काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ से शुरू किया था 2011 में। तो हमारा देवाम्बर गुरुकुल जूनियर हाई स्कूल है, इस समय हमारे पास 246 बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि गरीब परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके संस्कार यहाँ देखिएगा तो आप आश्चर्य करेगा कि कितने अच्छे ये बच्चे, जब इनको ये सब जानने सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो उसको भी हम यहाँ पर उनको कर पा रहे हैं। हम लोग साप्ताहिक एक हफ्ते का शिविर करते हैं जिसमें कि यहाँ हमारी पूरी रहने की व्यवस्था है, खाने पाने पूरा। तो एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, प्रतिदिन के उसके नित्य कर्म क्या होने चाहिए जिससे कि वो स्वयं को स्वस्थ रखे और अपनी सोच को बहुत ही सटीक, बहुत ही सदी हुई सोच। तो योग क्या है, योग हमारी सोच को साधता है, हमें सही डायरेक्शन देता है कि हमें ये जो आजकल इतना आपस में कलह है, एक दूसरे को हम देख नहीं सकते, परिवार में ही इतना तनाव अब आ गया है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, कैसे बताएंगे कि भाई इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब हम वैज्ञानिक तौर पर बताते हैं, योग में किस तरह से दिया गया है, आयुर्वेद किस तरह से हमें स्वास्थ्य के बारे में बताता है, प्रकृति का हमारे जीवन में कितना मतलब प्रधानता है, तो ये सब चीज़ें मैंने और हमारे परिवार ने, हमारी पूरी टीम ने, तो इससे जो रिजल्ट्स हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं और इसीलिए लोग आते रहते हैं हमारे पास। केवल भारत से नहीं, पूरे भारत से हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन विदेशों से भी हमारे पास बहुत लोग आते हैं। मैं भी विदेशों में काफ़ी जाता हूँ। मैं पोलैंड से रिटायर हुआ 2009 में, तो पोलैंड में इस पूरे विज्ञान को, जो वेद विज्ञान है, इनके बारे में, क्योंकि योग के साथ साथ जैसे ज्योतिष विज्ञान है तो अपने में बहुत बड़ा विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, तो ये जो सब चीज़ें हैं जो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच देती हैं, समग्र विकास कह लीजिए, तो ये अप्रोच जब हमने ली तो विदेशों में भी इसका बहुत प्रभाव हुआ। तो पोलैंड में एक सज्जन ने बहुत बड़ा, हमसे भी बहुत बड़ा संस्थान बनाया हुआ है जो मेरे नाम से बना है, आप यहाँ पर कुछ फोटो लगी हुई हैं उनको देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी मेरा कार्यक्रम चलता है। अभी मैं पिछले हफ्ते ही वहाँ से लौट के आया हूँ, समय समय पर जाता हूँ। अभी हाल में ही मुझे हंगरी के लोगों ने बुलाया तो वहाँ पर भी हम, उनका एनुअल कॉन्फ्रेंस थी योग टीचर्स की, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आप आइए, क्योंकि उनकी जो समय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे अप्रैल में जब हमारा यूरोपियन कांग्रेस हुई थी, यूरोपियन कांग्रेस में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने मुझको सुना था तो वो बहुत प्रभावित हुई, तो मुझसे कहने लगी सर आप हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा। तो वो लोग अब चाहते हैं कि नहीं, वो भी यहाँ आएंगे और मैं वहाँ उनके पूरे हफ्ते भर का प्रोग्राम उनके टीचर्स को सिखाऊँ। इसी तरह से भारत सरकार की तरफ से मुझे 2016 में यूनेस्को भेजा गया था पेरिस में कि योग विश्व की धरोहर है, इस संदेश को हम पूरे जो यूनेस्को की सेटअप है जहाँ पर कि पूरे विश्व के देशों के राजदूत मिलते हैं, तो उन सारे राजदूतों को मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था और उसके बाद यूनेस्को ने भी ये अपने उनके उसमें आया कि योग जो है वो मानवता की धरोहर है, केवल भारत की धरोहर ही नहीं, ये पूरी मानवता की है। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कृति है, वेदों का जो विज्ञान है, इसको अब पूरा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये तो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना का विज्ञान है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस में 2014 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इस प्रस्ताव को रखा तो वहाँ पर भी ये योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया, मतलब स्वीकार किया गया, और 2015 से हम योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तो इस सब कार्य में अभी इसी वर्ष मार्च में हमारे प्रधानमंत्री जी जून में गए थे तो यूएन में इस बार
जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसकी अगुवाई जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो मार्च में मैं वहाँ, मुझे फिर से भारत सरकार की तरफ से यूएन में भेजा गया था। हमारी जो यूएन की एम्बेसडर हैं उनके आग्रह पर भारत सरकार ने मुझे फिर से वहाँ भेजा। तो वहाँ भी हमने जो यूएन में राज और देशों के राजदूत हैं उनको भी इस चीज़ का पूरा वैज्ञानिक के तौर पर, ताकि इसको एक संकीर्ण रिलीजन से न जोड़ा जाए कि ये हिंदू धर्म की कुछ रिचुअल्स हैं, तो इस तरह से इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और अब जो है, जब इसकी स्वास्थ्य संबंधी जो इसके रिजल्ट्स हैं जो कि बिल्कुल प्रकृति के अनुरूप हैं, तो और जब इस समय जो बीमारियां, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, मान लीजिए हम इस बात को समझते ही नहीं हैं कि वास्तव में जो शरीर की बीमारी है वो शरीर की नहीं है, वो हमारी सोच की बीमारी है। हमने सोच ही इतनी गलत की हुई है कि ये बेचारा शरीर उस गलत सोच के कारण बिल्कुल काम कर ही नहीं पा रहा है, ये बीमार पड़ जाता है, क्योंकि इसकी रचना वैसी नहीं है जैसी हमारी सोच है। तो हमारी ज़्यादा बीमारियाँ इसलिए हो रही हैं कि हमारी सोच प्रकृति के, जो प्रकृति का जो सत्य है उसके विरुद्ध जा रही है। तो हम, मेरे अपने रिसर्च में यही निकल के आता है कि अगर मेरी सोच ही गड़बड़ हो रही है तो शरीर अपने आप ही रोगी हो जाता है। अब अगर मैं शरीर का इलाज करने लगूं और सोच की सोचूं ही ना, तो वो तो शरीर को भी मार के ख़त्म कर रहा है, यही चीज़ हो रही है। और जैसे ही हम ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ केवल सोच को ठीक करना है, जैसे ही सोच ठीक करते हैं वो अपने आप ही वो रोग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो रोग था ही नहीं शरीर का, वो तो सोच का रोग था। तो इस तरह से जब इसको हमने देखा है, तो अब हम पूरी वैज्ञानिक तरीके से और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी जब इन सब चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, तो वो भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि आप प्रत्यक्ष में रिजल्ट दे रहे हो, अगर हमारे कहने के रिजल्ट नहीं मिलते तब तो हम फिर भी कहते कि रिजल्ट तो आपके आ नहीं रहे, उनकी मेडिकल अप्रोच से रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारी इस वैदिक संस्कृति, वैदिक विज्ञान की अप्रोच से पूरा रिजल्ट मिल रहा है। तो अब जो है, इसीलिए हमारे वेदों के विज्ञान को बहुत मान्यता मिल रही है। और अमेरिका जैसा देश पिछले कई दशकों से इस फील्ड में काम कर रहा है कि ये वेदों का विज्ञान क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे। तो हमारे यहाँ अगर हम इसको ना आगे बढ़ाएं तो ये बड़ी एक सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि जो वर्तमान में हमारे पिछले 10 साल से सरकार है, इसकी ये हमारी संस्कृति के प्रति जो काम हो रहा है कि हमने अपने ही धरोहर को पूरी तरह से हम भूल गए हैं और उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। साथ ही साथ हम आधुनिकता के साथ भी चल रहे हैं। तो अगर हमारे ये दोनों पक्ष पैरेलल में चलें कि हम आधुनिकता से भी जुड़े रहें, क्योंकि जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, मॉडर्न टाइम्स हैं, उनको हम नकार नहीं सकते, लेकिन साथ ही हम अगर अपनी संस्कृति से जुड़े रहें कि जो इस ब्रह्मांड की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो कभी बदल नहीं रही है, मनुष्य शरीर नहीं बदला, मनुष्य शरीर वही है, प्रकृति वही है, सब पेड़ पौधे वही हैं, तो इस तरह से जब हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि हाँ, जो रहन सहन है, डेवलपमेंट्स हैं, ये चीज़ तो चेंज हो रही है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, वो बदलती रहती है, लेकिन जो मनुष्य शरीर है और इसी तरह से पेड़ पौधे, जो सब वायु, ये पंच तत्व हैं, इस तरह की चीज़ें, तो इन सबको हमने विज्ञान की तरह देखना है, और तब जाके हमारा एक बहुत ही आनंदित जीवन हो सकता है। आजकल की विडंबना है कि लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये चीज़ तभी हो पाएगी जबकि हम स्वयं की वास्तविकता को जानेंगे, और वो वेद विज्ञान से ही हो सकती है। इसीलिए हमारे परिवार का, हमारे जो हमने देवाम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, तो हमारा भी ये मानना है कि हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारा एक प्रयास है कि हम किसी तरह से इस हमारी धरोहर को लोगों तक पहुंचाएं
और उसी के लिए व्यवस्था हमने बनाई हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि अब धीरे धीरे बहुत लोग इसको जान रहे हैं और मेरे साथ अब यूथफुल लोग भी जुड़ रहे हैं, जैसे अभी निर्भय हमारे साथ जुड़े हैं। ये अपने नाभि चिकित्सा का इनको बहुत अच्छा ज्ञान है और कई समय से, कई वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह की ये जो पुरानी हमारी जैसे आयुर्वेद से जुड़ी हुई बहुत तरह की शारीरिक उपचार की जो विधियां हैं और योग की जो विधियां हैं, इनके माध्यम से हम बहुत अच्छा समग्र स्वास्थ्य लोगों को दे सकते हैं। यही प्रयास हमारा है इस संस्थान के द्वारा, देवाम्बरधाम के द्वारा। सर, जैसे कि अभी आपने इतना कुछ बताया वैदिक साइंस के बारे में, योग के बारे में, वहीं आपने जैसे कि अभी कहा कि आज की अगर हम समय की बात करें कि लोगों के पास समय तक नहीं है, समय नहीं है। दूसरी चीज़, आज का लाइफस्टाइल की बात करें, ईटिंग हैबिट्स की बात करें, तो अभी हम हाल ही के अगर रिकॉर्ड्स चेक करें तो इतनी ज़्यादा यंग एज में डेथ हो रही है, वहीं बात की जाए हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं लोगों को इतनी कम उम्र में, तो इन सब को लेकर एक नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे आप कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने। मैं जब आज के बच्चों को देखता हूँ, हर बच्चे की स्पाइन इस तरह की हो गई है। जब भी यहाँ भी हमारे ये बच्चे, हालांकि गरीब परिवार के हैं, बिल्कुल गाँव के हैं, लेकिन उनकी भी पीठ हम देखते हैं तो ऐसे झुकी हुई है, जबकि पीठ बिल्कुल, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। तो खास करके जो शहरों में हो गया है कि बच्चे घर से बाहर जा ही नहीं सकते, कहीं जगह ही नहीं है। हम लोग तो बचपन में बिल्कुल फ्री थे, कभी कोई सिक्योरिटी कोई इशू ही नहीं था, है ना। इतनी खुली जगह होती थी, हवा इतनी साफ होती थी। अब तो शहरों में हवा ही नहीं है साफ। तो जो हम लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है, ये इस शरीर के स्वास्थ्य के बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। तो इसलिए जब तक हम इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि ये जो वर्तमान की चमक धमक के पीछे हम भाग रहे हैं, ये हमें बहुत ही अस्वस्थ बना रही है। हमें सांस लेना ही नहीं आता। अब मैं किसी से कहता हूं थोड़ी गहरी सांस लो तो वैसे करेगा ऐसे करके, जबकि गहरी सांस होनी चाहिए। तो ये हिस्सा बिल्कुल हिलता नहीं है, केवल पेट से हमारा, पेट की धोकनी चलती है, गहरी सांस चलती है। ये सही तरीका है सांस लेने का, जिसमें कि पूरे लंग्स काम करते हैं। अब हमारे यहाँ तो एक बस वेंटिलेटर में डाल दो तो ये जो सब चीज़ें हो गई हैं कि हमने इस शरीर की रचना को समझा ही नहीं है। और ये चीज़ हम हमारे बच्चों को, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने अभी इसी साल में, क्योंकि भारत सरकार से, आयुष मंत्रालय से आया था कि आप कुछ स्किल्स डेवलपमेंट्स करिए, तो हमने यही सोचा कि हम इन बच्चों को अगर स्वास्थ्य संबंधी स्किल्स समझा दें, तो हमने 100 घंटे का कोर्स शुरू किया है, जो मैंने सबके लिए ओपन किया हुआ है, लेकिन अभी हम अपने बच्चे हमारे कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो 3 महीने का ये 100 घंटे का कोर्स कर लेंगे, तो इनको स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी रहेगी और ये किसी को भी ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। अपने घरों में, अपने ही परिवार से शुरू करते हैं, अपने पास पड़ोस से शुरू करते हैं। तो इस तरह से यदि हम इस विद्या को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हमारा प्रयास है कि हम महिलाओं को, क्योंकि माँ अगर ट्रेन हो जाए तो सब कुछ ट्रेन हो जाता है। तो इस तरह से प्रयास चल रहा है और इसी प्रयास में आपने ये एक पहल की, मैं आपके इस प्रयास की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आप स्वयं से ही आए, आप सुन के आए। तो इसी तरह से ये विद्या लोगों तक पहुँचेगी, तो आपको भी बहुत साधुवाद है इस प्रयास के लिए, धन्यवाद। ये हमने जाना आज वैदिक साइंस योगा के बारे में कि इसकी क्या अहमियत है। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और भी जानकारी के लिए। मैं अनुश्री भारद्वाज, सुरागीलाल न्यूज चैनल से, धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।